पूर्व मंत्री के घर सूटकेस में मिले नोट सात मशीनों से रात भर होती रही गिनती। ब्राजील में करप्शन के आरोप में नजरबंद एक्स मिनिस्टर गेडेल विलालिमा के एक फ्लैट से नोटों से भरे सूटकेस मिले। इसकी गिनती के लिए मशीन तक लगानी पड़ी। इसके बावजूद रात भर नोटों की गिनती जारी रही। बता दें, तमाम करप्शन के आरोपों में फंसने के बाद वो इस साल जुलाई से हाउस अरेस्ट हैं। 8 सूटकेस और कार्डबोर्ड के 5 पैकेट में भरे थे नोट। नॉर्थ ईस्टर्न सिटी सलवाडोर में मौजूद एक अपार्टमेंट में पुलिस ने रेड डाली, जहां से ये रकम बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक ये अपार्टमेंट एक्स मिनिस्टर गेडेल विलालिमा द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां से पुलिस को नोटों से भरे 8 सूटकेस और कार्डबोर्ड के 5 पैकेट मिले हैं। इन नोटों को गिनने के लिए 7 कैश काउंटिंग मशीन बनाई गई, जिनसे रात भर नोटों की गिनती हुई। लोकल मीडिया को पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम तक करीब आधे नोट गिने ही गए थे, जो करीब 67-97 करोड़ रुपए थे। पुलिस को ये रकम स्टेट के ओनरशिप वाले बैंक टेक्सा इकोनॉमिका फेडरल में फ्रॉड के मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले। लीमा मौजूदा प्रेसिडेंट माइकल टेमर की कैबिनेट में मिनिस्टर लेवल की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। करप्शन के कई मामले सामने आने के बाद उन्हें पद से हटाया गया और जुलाई में हाउस अरेस्ट कर लिया गया था।